जी, आपका नाम? मैं अशोक अरोरा, गाजियाबाद से। क्या करते हैं अशोक जी? मैं फील्ड में हूँ, मार्केटिंग का काम है मेरा। ओके अशोक जी, अभी ये इलेक्शन होने जा रहे हैं 11 अप्रैल से हिंदुस्तान में, लोग अपने पार्लियामेंट के लिए मेंबर्स चुनने वाले हैं, आपका क्या विचार है इस बारे में, क्या सोचते हैं? एक बड़ी छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी समझदार इंसान है वो इस बात को समझेगा तो निश्चित रूप से वो मोदी जी को ही वोट देके आएगा। खास बात आप समझिए, 55 साल से ज़्यादा हो गए कांग्रेस को राज करते हुए, गरीबी मिटाएंगे गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाने के होड़ में लग गए ये, और देश को बिल्कुल नकारा करने, यूथ को तो बिल्कुल नकारा करने की कोशिश कर रहे हैं अब ये। नहीं तो आज तक देखिए इन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं, कहीं कोई विकास नजर ही नहीं आता। और आज क्या हो रहा है, मोदी जी कुछ विकास काम कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि हमारे तो बिल्कुल जड़ें ही कट जाएंगी। तो आज अब 72,000 देंगे, अब हम ये देंगे, अब हम वो देंगे, मतलब यूथ को बिल्कुल नकारा करेंगे, वो किसी काम के लायक रहेगा ही नहीं, देश को बर्बाद तो पहले ही कर देंगे 72,000 देके, वो पैसा आएगा कहाँ से, इनको तो ये समझ ही नहीं है। खाली ये तो देख रहे हैं कि हम 72,000 कह देंगे, यूथ को लगेगा हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, और वो किसी काम का नहीं रहेगा, बिल्कुल नकारा हो जाएगा, लेकिन वो पैसा आना कहाँ से है, मतलब देश बिल्कुल पाकिस्तान जैसे कंगाल हालत में है, वैसे इंडिया को भी कर देंगे ये। और दूसरी बात, ये रोजगार कहाँ से देंगे, इनके पास है क्या, ये तो खाली ढकोसला कर रहे हैं, कोरे आश्वासन दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। समझदारी इसी में है, मोदी जी को वोट दीजिए, बीजेपी को जिताइए, स्पष्ट बहुमत आएगा तो देश का विकास आज से भी ज़्यादा स्पीड से तरक्की करेगा। धन्यवाद। मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कोई मंदिर का कोई मुद्दा तो इस इलेक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने मोदी जी का एक भाषण सुना था, अभी उनका एक टीवी चैनल पे आ रहा था, तो उसमें उसने पत्रकार ने पूछा था टीवी वालों ने कि राम मंदिर के बारे में, तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि जब तक ये कोर्ट में है, ये मुद्दा कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए आप, तब तक हमें मजबूरी होगी, क्योंकि कोर्ट का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। ओके, लेकिन जो बीजेपी के घटक दल हैं जैसे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये सब लोग तो अपना अलग ही राग अलापते रहते हैं, इनका तो बीजेपी की टाइमलाइन से मैच ही नहीं होता। लेकिन अब आप देखिए सारे वो फिर वापस मिल गए, क्योंकि इनकी सबकी विचारधारा एक है, क्योंकि इनकी विचारधारा आपस में मिलती है, इसीलिए वापस बीजेपी में आ गए लौट के। आपके हिसाब से मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, और मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ना चाहता हो, वो भले हिंदू हो मुसलमान हो। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप इस मसले को बाहर फेंको ही नहीं, बाहर ढिंढोरा पीटो ही नहीं, खाली अयोध्या वालों पे छोड़ देंगे तो 10 दिन में मंदिर वैसे ही बन जाएगा, वहाँ के हिंदू मुसलमान खुद मिल के बैठ के और इस मसले का हल कर लेंगे। हमें ना तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, ना ये राजनीति जो मुद्दे उठा रहे हैं ये कांग्रेस के उठाए हुए हैं, इन्हीं के लोग हैं जो बार बार बीच में अड़ंगा डालते हैं, वरना इनको हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। अयोध्या वालों को छोड़ दो, अयोध्या वालों पे कि ये मुद्दा आप बताओ कैसे करना है, वो 10 दिन में खुद ही समेट के आपको मंदिर बना के दिखा देंगे। और अगर उनको मस्जिदें बनानी है तो वहीं के हिंदू दूसरी जगह पे देके और खुद अपने हाथों से मस्जिद भी बना देंगे, और ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहित राणा। मोहित राणा, मैं गाजियाबाद में आता हूँ गोविंदपुर में। क्या करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ऐसे। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स इतनी हैं जो सबको मिल सके? सफिशियंट है। अच्छा, यूपी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में तो सफिशियंट जॉब है। अच्छा, हर साल लाखों वैकेंसीज आ रही है, पुलिस में देख लीजिए हर साल 50,000 वैकेंसी, 41,000 वैकेंसी, पुलिस की छोड़कर अलग से डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। अच्छा, आप कमी नहीं है, आप युवा हैं, आपके जैसे बहुत करोड़ों युवा हैं इस देश के अंदर, ऐसा संभव है कि सबको जॉब मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, मेहनत करो जॉब मिलेगी, बस थोड़ा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा सा अभी चल रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी जॉब है। आप वोटर हैं? वोटर है, बिल्कुल वोटर है। वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। कितने साल से? मुझे 9 साल हो गए वोट डालते हुए। 9 साल? यस। अच्छा, अभी तक मेरी सारी वोट बीजेपी हो गई है। आपने कभी वोट इस मुद्दे पर डाला कि हमें रोजगार मिलेगा? मैंने बिल्कुल डाला, योगी सरकार आई थी, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब इसमें आया था,
मुख्यमंत्री के लिए, तो मैंने योगी सरकार को वोट डाल दी। वो उन्होंने पहले वादा किया था कि पुलिस की नौकरी निकालेंगे अलग से, उसमें डिपार्टमेंट नौकरी निकालेंगे, रोजगार पैदा करेंगे, रोजगार पैदा हो रहा है उसमें, पैदा हो रहा रोजगार। अभी रेलवे में वैकेंसीज आई है, 1,00,000 वैकेंसीज आई हैं, 1,30,000 वैकेंसी आई हैं अभी, जस्ट करंट में फॉर्म भी चल रहे हैं उनके। मेहनत करो, तैयारी करो, रोजगार ही रोजगार है सरकार। तो ये जो राहुल गांधी एंड कंपनी शोर मचाती है कि जी मोदी ने रोजगार पैदा नहीं किए, रोजगार नहीं है देश में, तो बोलना ही बोलना है सरकार की, इनके पास कुछ मुद्दा तो है नहीं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का मुद्दा इनके पास बचा नहीं कुछ। मोटे तौर पर ये झूठ बोल रहे हैं, कोरा कोरा झूठ बोल रहे हैं। आप देख लो मुद्रा योजना में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल रहा है, आप अपने अपना सबको ही वो रोजगार जरूरी थोड़ी है कि खाली गवर्नमेंट जॉब का ही रोजगार होता है, बाकी वैसे सेक्टर में भी रोजगार होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार है। आप देख लो आजकल लड़के उसमें गाड़ियों में ही गाड़ियां चला रहे हैं लड़के। आप क्या करना चाहते हो? मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा वैसे नंबर भी आया हुआ है, हाँ मैं नंबर भी आया हुआ है। तो आप अपने जैसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो भाई इस इलेक्शन में? अभी फिर से आपने वोटिंग देश करनी को है, देश को आगे बढ़ाना, अपने से पहले देश की सोचनी है, सबसे पहली बात तो ये है ना, देश की सोचनी है, देश के बारे में सोचना है, तो आप मोदी जी को वोट दो। हमारे देश विदेश विदेशों में नाम पूरा मतलब आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मोदी जी को वोट दो। राहुल गांधी ने बोलना तो कुछ आता नहीं है, क्या मतलब ये क्या देश को आगे बढ़ाएंगे? अभी तो उनकी बहन प्रियंका भी मैदान में, क्या है क्या है, कुछ भी तो नहीं है वो। मैं तो आज उनके बारे में पढ़ रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं करा उन्होंने जिंदगी में, क्या करा उन्होंने, क्या करा उन्होंने, तो सीधा आगे कांग्रेस की वो बना दी उन्होंने। वैसे इंटरेस्टिंग बात आपको लगती नहीं है कि पूरे कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल और प्रियंका ही प्रचार कर रहे हैं, तीसरा तो परिवार और तीसरा तो मुझे कोई दिखा नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एक से एक अच्छे अच्छे नेता भी हैं, और ये इन्हें क्यों मतलब ढो रहे हैं बिना बात के? एक कांग्रेस में राहुल को प्रियंका को क्या है, कुछ भी तो नहीं है। सोनिया गांधी विदेशी लोग हैं, क्या है मतलब, इन्हें देश की संस्कृति का कुछ किसी चीज का नहीं पता नहीं, कोई बेसिक नॉलेज नहीं है अपने हिंदू धर्म की, इनसे गायत्री मंत्र पूछो, गायत्री मंत्र नहीं सुना सकते, ये मौका देख के धर्म बदल लेते हैं। तुम देख लो, सही कह रहे हैं आप, वहां से गए कहां, ये अमेठी में चुनाव लड़ते हैं, अमेठी से था कि हारेगी पक्का हारेगा, वहाँ वायनाड पहुंच गए, वहाँ पाकिस्तान के झंडे घूम रहे हैं, बताओ है ना? नहीं वो पाकिस्तानी झंडे नहीं है बेसिकली, वो मुस्लिम लीग पार्टी के झंडे हैं, मिलते जुलते हैं उससे, वो मुस्लिम लीग तो अपने आपको हिंदुस्तान का हिस्सा मांगते ही नहीं है, तो आप इनके माने पढ़ोगे तो आपको मानते ही नहीं है, तो जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का जो हिस्सा ही नहीं मान रहे वो अपनी जगह को, तो काय के देशभक्त हो सकते हैं, उनके साथ राहुल नहीं खड़ा हुआ, उनसे सपोर्ट ले रहा है, तो क्या मतलब हम उन्हें कैसे वोट कर सकते हैं? चलिए मोहित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि बस आप कृपया करके बीजेपी को वोट दें, भारी बहुमत से विजय बनाए आपकी, ये हम रिक्वेस्ट पूरी जनता को हम जल्दी ही आज रात ही पहुंचा देंगे और फिर देखते हैं। अरे जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे, और कोई है ही नहीं टक्कर में। गुड, धन्यवाद जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, जी आपका शुभ नाम? हाँ जी, मेरा नाम ज्योति चप्पू जी। आप गाजियाबाद से? हाँ जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। क्या करते हैं मैम आप? बस हाउसवाइफ। हाउसवाइफ, हाँ जी। मैम ये जो अभी इलेक्शन शुरू हो रहे हैं 11 अप्रैल से हिंदुस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो इस इलेक्शन के बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप? हम ये सोचते हैं कि जो भी आए इस अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर जी हमारे इंडिया को जी, तो वो सुधारने वाली बात जी, टेररिज्म ना हो या क्या कहते हैं इसको, टेररिज्म सबसे बड़ी बात है टेररिज्म, क्योंकि हम खुद कश्मीर से हैं, हमने वो चीज़ देखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम भी अपने घर जाना चाहते हैं, कि हम भी घर छोड़ के आए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, बीजेपी ने हमें बहुत हेल्प की, जिस वजह से हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और बाकी है कि हमें वो चाहिए कि जो हमारे इंडिया को आगे ले जाए, वो भी वो सारा जो है वो मोदी में उतनी स्ट्रेंथ है कि वो कर सकता है। आप मोदी जी से के पिछले 5 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ जी, हम तो पूरे संतुष्ट हैं। ओके, आप वोट करती हैं मैम? आप वोट करते हैं? यस, हर साल मतलब आई मीन हर बार? हाँ, हर बार जब भी होता है करते हैं, और पूरी तरह हम करते हैं, और वो पूरी तरह बीजेपी को ही करते हैं। ओके, चलिए, ये तो आपकी एक मतलब व्यक्तिगत वो होती है, एक क्या बोलते हैं उसको, विचार है। हाँ, तो वो तो आपको जो ठीक लगे, लेकिन हमारा भी मानना यही है कि जो मेरिट बेस्ड जो सिलेक्शन होना चाहिए,
मेरिट बेस्ड होना चाहिए, जिसके अंदर मेरिट है उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए। वो तो होना चाहिए, असल में जो आजकल वो क्या कहते हैं वो SCU उनको मिलता है जी, वो सारा खत्म ही होना चाहिए जी, बिल्कुल सेम होना। अब तो कोई उतनी तो अब कोई नहीं है बिल्कुल, ये तो उस समय रखा था पता नहीं 15-16 साल के लिए, तो उसकी तो प्रथा ही चल गई, वो चलती, वो खत्म होना चाहिए। सेम सबको रहना चाहिए, सबको सर्विस में या एजुकेशन में किसी में सबको सेम। लेकिन मैम जैसे अभी आपने कहा आप कश्मीर से हैं, लेकिन हाँ मोदी जी ने की सरकार ने भी कश्मीर के लोग विस्थापितों के लिए कुछ नहीं किया, नहीं तो आपको इससे क्यों नहीं किया? बहुत कुछ किया बीजेपी ने, बहुत कुछ किया। आपको ऐसा लगता है बीजेपी ने हमें सर्विस दी, बीजेपी ने हमें नौकरी दी जब हम वहाँ से निकले, तभी से बीजेपी ने हमें पाला है। ओके, और कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए भी हमें घर से निकाला। लेकिन रिहैबिलिटेशन के मामले में तो कुछ खास काम नहीं किया ना? नहीं, उसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ पूरी माउंटेन्स है जी, वहाँ पे क्या कर सकता है। तो मतलब ये उनकी डिमेरिट नहीं है आपकी नजर में? वहाँ पे धारा 370 हटनी चाहिए, हटनी चाहिए। हाँ, वो हटेगी तो तभी होगा, जब हम एक राष्ट्र में सब साथ बाकी देंगे, मतलब अकेली नहीं कर सकते, बिल्कुल भी साथ होना चाहिए, सबका साथ हो तो। मतलब आपके हिसाब से उनकी डिमेरिट नहीं है, ये उनकी एक प्रोफेशनल कंपल्शन कह सकते हैं कि वो नहीं कर पा रहे, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ किया है बहुत कुछ किया। अभी आप देखो, अभी पहले वो पत्थरबाज थे, टेररिज्म इतने सारे मर गए, बेशक हमें दुख होता है हमारे आर्मी वाले मरते हैं, लेकिन क्या करें, उनको बेचारों को अपना ही काम है, बट दुख तो होता है हमें, वो भी बहुत मर रहे, लेकिन ठीक है वो टेररिस्टों को मारते हैं, वो बहुत सबसे बढ़िया बात करते। और मोदी जी ने पूरा फ्री हैंड दिया आर्मी को, करो जो करो। आप महिलाओं को कोई मैसेज पास करना चाहेंगे? महिलाओं को ये मैसेज पास करेंगे, हमारे मोदी को जिताओ जी, और तब हमें भी कुछ आगे चलने का कुछ मिलेगा, इनसे सीख मिलेगी, हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है, विदेशों से हमारे पास पैसा आ रहा है, विदेश से हमें स्ट्रेंथ मिल रही है, जो कांग्रेस ने डुबाया था वो ऊपर उबल रहा है, वो संदेश सबको दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम? जी अमित वर्मा। अमित वर्मा जी, क्या करते हैं वर्मा जी? जी मेरा बिजनेस है, ज्वेलरी शॉप है खुद की। ज्वेलरी शॉप है गाजियाबाद में? हाँ जी, हाँ जी, चोपला मंदिर। वर्मा जी, अभी 11 तारीख से जो इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, हाँ जी, तो आपको पता ही होगा जी, जी। वोट करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। ओके, वोट करते हुए आप क्या मेरिट्स को ध्यान में रखते हैं, जिसको आप वोट करते हैं उसमें क्या बेसिक मेरिट्स आप देखते हैं? सबसे पहले तो देश हित, के देश कितने सुरक्षित हाथों में है, ओके, कितना नहीं है जी। दूसरा, अगर हमारा देश सुरक्षित होगा तभी आगे हमारी पीढ़ियां परिवार वो भी सुरक्षित होंगी। अभी आप जैसे कि मैंने अभी देखा कि खाली मोदी जी को हराने के लिए ये जितना भी विपक्ष है वो सब एक साथ आ गया है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये अगर अलग अलग करके, वैसे भी अगर ये एक साथ भी लड़े तो भी ये मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन इनको यकीन है कि अगर ये अकेला एक इंडिविजुअल भी खड़ा होता ना, ये खड़े होने लायक ही नहीं है उसके सामने। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं पिछली बार भी मोदी जी को वोट दिया था और इस अब की बार भी मोदी जी को वोट दूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास और ज़्यादा डबल हो चुका है मोदी जी के लिए। खासकर मैं बीजेपी पार्टी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं मोदी जी के ऊपर चलता हूं, क्योंकि बीजेपी पार्टी पहले भी थी, जब से मोदी जी आए हैं बीजेपी पार्टी का बहुत रंग और मतलब हर चीज़ चेंज हो चुकी है हर एक के हिसाब से। दूसरा, एक आज की डेट में हम लोग जो हमारा जो हिंदू जो स्तर है, हिंदू स्तर वो डाउन जा रहा है, क्योंकि जितनी भी पार्टियाँ थी अलग, वो सिर्फ अपना एक चुनावी मुद्दा था उनका, जी हम आप हमें ये वोट दे दो हम आपको ये कर देंगे, हम आपका अल्पसंख्यक हैं तो आपको हम ये कर देंगे, वो चीज़ नहीं। मोदी जी ने अभी तक सबको एक साथ लेके चला है, सब पूरा देश का विकास प्लस जितनी भी जनता देश की सबका विकास, ऐसा नहीं कि वो मैं एक सूट बूट वाला हूँ तो मुझे अच्छी चीज़ मिल रही है, मैं बुरके वाला हूँ तो मुझे उससे भी अच्छी चीज़ मिल रही है, वो चीज़ नहीं। तो मैं तो सबसे अपील यही करूँगा कि अगर आपको अपना परिवार सुरक्षित करना है भविष्य में, या इस राष्ट्र को बचाना है, इस देश को बचाना है, किसी सुरक्षित हाथों में रखना है, तो प्लीज कृपया करके बीजेपी को वोट दें और मोदी को वोट। थैंक यू, धन्यवाद वर्मा जी, थैंक यू।